मैंने तो हकीकत बोली, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो हमारे जो रेजोल्यूशन में वो पूरा वाटर टाइट है, उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है। वही चीज मैंने अपने जो हमारे अपोजिशन के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, जो सहयोगी वो पांच लोग हैं, मैंने उनको वही समझा कि हमारा ये बताइए कि स्पेशल स्टेटस कौन सा था। वो वही था जो 2019 से पहले था, और जब हमने अपने रेजोल्यूशन में वो 2019 का स्टेटस बोल दिया तो फिर इसमें तो कुछ एम्बिग्युइटी होगी, उसमें वो सारा मेंशन है। वही चीज मैंने बार बार इनको समझाई, और उसी वक्त आपने देखा होगा कि वो फिर पांच लोग फिर हाउस में बाद में नहीं आए। बट देखिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस उनके हुकूक दिलाने हैं तो हर एक को एक प्लेटफॉर्म पे आना। हमने कोशिश किया कि महबूबा जी को करें साथ, हमने कोशिश किया सजाद मानसोब को साथ किया, हमने कोशिश की इंजीनियर रशीद को, लेकिन सिर्फ किसी तरीके से मीडिया में अपना नाम लाने के लिए उन लोगों ने उस वक्त वो हंगामा किया जिस दिन वो करना नहीं था। हमने वादा किया था कि जो पहला दिन होगा उस दिन हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, और वो हमने करके दिखाया। अब इंशाल्लाह आगे काम करना है, स्टेटहुड का भी काम होगा, वो हर एक चीज़ जो हमने अपने मंशूर में लिखा है वो इंशाल्लाह हम जरूर। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं, उसमें सबसे जो बड़ा चैलेंज है यहाँ पर जो एम्प्लॉयज को साइड किया गया पिछले कहीं एक सालों से, रीजंस डिफरेंट है, एक तो ये चैलेंज है, दूसरा जो बड़ा चैलेंज है कहीं चैलेंजेस तो है। हमने अपने मंशूर में भी वो लिखा है कि उस चीज़ को हम वापस रिविजिट करेंगे। अब अभी जिस तरह मैंने कहा, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, उमर साहब को उनकी हुकूमत को थोड़ा संभालने दीजिए। हर एक चीज़ जो हमने लिखा है, चाहे वो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स हो, चाहे टर्मिनेशन हो, इन सब चीज़ों पर थोड़ा वक्त तो लगेगा। अगर ये एक महीने का मैंडेट होता या दो महीने का, तो मैं समझ सकता था कि हमें अर्जेंसी में करना है। अभी लोग पहले आप ये भी देखिए, जो हमने उमर साहब ने का ये जो अभी इस वक्त एक कंफ्यूजन है उसको भी हम क्लियर करें, और इसीलिए हम बार बार अपील करते हैं कि स्टेटहुड हमको वापस आना चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो जो लोगों के काम विदाउट किसी इंटरफेरेंस के करे। और जहां तक आपने हालात की तश्वीशनाक तो है हालात, बट कोश हम इसीलिए अपील करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी एक चुनिंदा सरकार को दिया जाए, ताकि वो इसके ऊपर भी अपने जो ग्रिप है वो कसे और किसी तरीके से ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करे। और जहां तक अभी की बात है, हम अपील करेंगे यहां, क्योंकि LG साहब के अंडर लॉ एंड ऑर्डर है, जितना भी हो सके ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करे, जो इसमें मुलविस हैं उनको जल्द से जल्द हवालात या जेल में मिटर्स के लिए क्या तैयारी है? मैंने आज जिस तरह आपको कहा कि उमर साहब ने खुद इसकी प्रिपेयरनेस की मीटिंग ली है, जो भी हमसे हो सके हम कोशिश करेंगे कि लोगों को सुनवाई, लोगों की सुनवाई हो। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि कोई ऐसा अननेचुरल कैलामिटी ना हो, बट जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो राशन हो, पानी हो, लाइट्स हो, उन सब चीज़ों पर यह गवर्नमेंट कायम दायम है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लोगों को आराम पहुँचे।